वार्म ग्रीटिंग्स। ये ICICA फाइनल IDT नवंबर 2019 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन क्वेश्चन वन है एंड देर इज ए ह्यूज ह्यूज रिस्क, क्योंकि हम लोग वी आर द फर्स्ट टू सॉल्व दिस, तो शायद कोई गलती हो जाए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो गलती को एक्सेप्ट करने में मैं सेकेंड नहीं लगाऊंगा, अगर वाकई में गलती होगी तो आई डोंट माइंड। दूसरा कि हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, टैक्स बाय के STD स्टूडेंट। एक और चैनल है सिर्फ टैक्स बाय के, वो प्रैक्टिशनर्स के लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम लोग लगातार टैक्स से रिलेटेड या बाकी और जो भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। जैसे ये जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट PDF बनाते हैं दैट आई विल शेयर विथ यू। मैं कौशल कुमार अग्रवाल, CS कौशल कुमार अग्रवाल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मारवाड़ी भी हूं, इसलिए मुझे आता है टैक्स। GST ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, ICAI एंड ICSI टैक्स फैकल्टी। आप हमारी टैक्स कैलकुलेटर इन एक्सेल शीट्स, वीडियो क्लासेस, बुक्स एंड MCQ खरीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, व्हाट्सएप 9999227381। तो क्वेश्चन वन सॉल्व करते हैं एक बार आपके साथ, आइए। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर ओल्ड सिलेबस का, इनडायरेक्ट टैक्स ओल्ड सिलेबस का है, जो नवंबर 2019, 17 नवंबर 2019 को इसका एग्जाम हुआ है। और हम लोग इसका सारा आंसर ढूंढेंगे, हमारी दो बुक है, एक GST वॉल्यूम वन है, इसका कवर पेज इसमें है नहीं लेकिन कुछ कुछ ऐसा होगा। ये GST वॉल्यूम टू है, तो वॉल्यूम वन का कवर पेज ब्लू में है और जो हम लोग आंसर्स है वो एक्सेल शीट में है। तो ये आंसर एक्सेल शीट में जो हमने बनाया है, ये सेम एक्सेल शीट हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर भी करेंगे। तो एक बार सारा सॉल्व करने के बाद, और एक एक करके भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास, आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया, कमेंट सेक्शन में दीजिए या हम लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लोग उसको देख लेंगे। अगर हमें लगता है कि हमने कुछ गलती की है तो मुझे पे बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी एक्सेप्ट करने में। चलिए, वी आर द फर्स्ट वन टू सॉल्व दिस। लाजवाब क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वन, 14 नंबर का, फ्री में बिल्कुल नहीं है, एक एक मार्क्स के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ते हैं एक बार। सुखदेव इज ए माइनिंग इंजीनियर, ही हैज क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द GST लॉ एंड इज ड्यूली रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैं यहां से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर दिस माइनिंग इंजीनियर हु इज रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख? 20 लाख, बहुत सही है। 40 लाख सिर्फ गुड्स के लिए, वो भी इंटरस्टेट सप्लाई। 10 लाख अब सिर्फ चार स्टेट बचे हैं उसी में है, बाकी सब जगह 20 लाख के ही लिमिट है। आगे, ही अफेक्ट्स द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ मार्च 19 एंड वांट्स यू टू कंप्यूट द टैक्स पेबल इन कैश। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी कि ITC यूटिलाइज करने के बाद और कैश अगर पहले से है आपके पोर्टल में उसको मैनेज करने के बाद कितना बचा हुआ टैक्स आपको कैश में जमा करवाना है। उसके बाद ही हैज फाइल्ड बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। बॉन्ड यानी कि बैंक गारंटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक सिंपल कंपनी के लेटर हेड में या इसके लेटर हेड में दे सकता है। और वो जब आउटवर्ड सप्लाई करेगा यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई करेगा तो वहां पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और इस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में सिंपली एक बात लिखी होती है कि हम आपसे अभी टैक्स नहीं ले रहे हैं। अगर फॉरेन एक्सचेंज, आप प्रॉमिस कीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज इतने महीने के अंदर आ जाएगा, नहीं आता तो हम आपसे टैक्स ले लेंगे। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज बेसिकली अ प्रॉमिस। द फॉलोइंग्स आर द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय हिम। ए, अब इसमें इसमें जो पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय हिम, इसमें आपको देखना होगा ये आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सुखदेव बीइंग एन ऑपरेटिंग मेंबर, बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। सुखदेव बीइंग एन ऑपरेटिंग मेंबर इन माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन सर्विसेज एट मुंबई हाई। ये मुंबई हाई मतलब ये जो कोस्टल इलाका, महाराष्ट्र इज द कोस्टल स्टेट, वहां से 12 नॉटिकल माइल तक पूरा वो स्टेट की का ही हिस्सा माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये
कि अगर मैं मुंबई से उस 12 नॉटिकल माइल तक मैं अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, लेकिन बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। तो ये मुंबई हाई, इसका मतलब ये बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल और ऑब्वियसली अप टू 200 नॉटिकल माइल ही है, हैज प्रोवाइडेड सर्टन सर्विसेज टू द जॉइंट वेंचर। तो दिस सुखदेव इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन सर्विसेज टू ए जॉइंट वेंचर इन विच ही इज ऑल्सो ए पार्टिसिपेंट। ही बिलीव दैट द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम द जॉइंट वेंचर इज कॉस्ट पेट्रोलियम एंड नॉट टैक्सीबल। अब ये अच्छा वर्ड है कॉस्ट पेट्रोलियम, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका नाम पहले सुना होगा। नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट पेट्रोलियम, मैं आपको इसका सर्कुलर भी आया था वो पहले मैं सर्कुलर भी दिखलाता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा भी। तो ये हमारी बुक, इसमें कंट्रोल एफ कॉस्ट, ये आ गया कॉस्ट पेट्रोलियम। तो एक सर्कुलर 2018 में आया था 32/06 12 फरवरी 2018 को। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, मैं आपको यूं बता दूं कि गवर्नमेंट माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन राइट देती है फॉर डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम, और कॉन्ट्रैक्टर उस क्रूड ऑयल को ढूंढता है और जमीन से बाहर निकालता है, डेवलप करता है, फिर प्रोडक्शन करता है यानी कि पेट्रोल बनाता है, डीजल बनाता है, और फिर गवर्नमेंट को रॉयल्टी देता है। अब गवर्नमेंट कहती है कि ये जो जितना भी आपका पेट्रोल निकला है उसमें से कुछ हिस्सा आप अपने पास रख लो, जब बेचेगा तभी तो रॉयल्टी देगा। मान लो 100 रुपये का पेट्रोल बेचता है तो गवर्नमेंट कहती है 10% ऑफ 100 रुपीज़ मुझे दे दो, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि आप मुझे 100 रुपीज़ पे यानी कि जितने रुपये का पेट्रोल बेचा है आपने, 100 रुपये का बेचा उस पर मत दो, आप ऐसा करो 10 रुपये के पेट्रोल पे मुझे रॉयल्टी मत देना, 90 रुपये पे देना। जो 10 रुपये उसने रख लिया है गवर्नमेंट के तरफ से दैट इज कॉस्ट पेट्रोलियम। और ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, आप सिंपली वेबसाइट में भी जाएंगे तो मिल जाएगा। और ये हमारी बुक है जो GST Volume 2 है, और ये बुक आपको हार्ड कॉपी प्लस PDF दोनों मिलता है। आप taxbykk.com में जाएंगे ना तो आपको हार्ड कॉपी बुक्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको इसका लिंक मिलेगा। तो हार्ड कॉपी चाहिए हार्ड कॉपी मिलेगा, और PDF चाहिए तो PDF में मिलेगा। और ये किताब किस तरह से लिखी हुई है, और ये प्रैक्टिशनर्स के लिए भी है, बहुत अच्छी बुक है। और हमने क्या किया, ये बुक नई पुरानी सब है, तो हमने जो एकदम पुराना लॉ है उसको डिलीट नहीं किया है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये देखिए कोई भी इसमें अगर लॉ कुछ चेंज हुआ है तो जैसे ये इंसर्ट हुआ है, यहाँ से ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट क्लोज्ड है, ये देखिए यहाँ भी एक ब्रैकेट है, और ये थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड आपको पता लग जाएगा ये इंसर्टेड इज दिस। तो इस तरह से ये पुराना लॉ नया लॉ, ये देखिए नंबर 1 फुटनोट में देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये फुटनोट कब आया है, ठीक है। तो कुछ भी हमने हटाया नहीं है, तो इस तरह से है ये। अब आप समझिए, हम दोबारा से क्वेश्चन में आते हैं। तो अब ये कॉस्ट पेट्रोलियम उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है या फिर जॉइंट वेंचर उसको दे रहा है। तो ही बिलीव दैट द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम जॉइंट वेंचर इज कॉस्ट पेट्रोलियम एंड नॉट टैक्सीबल। उस सर्कुलर में कॉस्ट पेट्रोलियम तभी नॉट टैक्सेबल है जब गवर्नमेंट से मिल रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है इसलिए दिस इज टैक्सेबल, 12 लाख इज टैक्सेबल एंड दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई। यही कॉस्ट पेट्रोलियम और एक जगह भी आ रहा है ए के बाद, यहाँ ई में, ही गेट्स ए पोर्शन ऑफ द पेट्रोलियम सिल्ट एज पार्ट ऑफ द कंपनसेशन वाइल एक्सप्लोरिंग द पेट्रोलियम रिजर्व इन द बॉम्बे हाई विच इज एज पर कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, 6 लाख। तो ये नॉट टैक्सेबल है। अब आइए देखिए, ए कॉस्ट पेट्रोलियम कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम जॉइंट वेंचर, ये हमने टैक्सेबल कर दिया एट द रेट ऑफ 18%। ये जो ई में था कॉस्ट पेट्रोलियम पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट, इसको हमने नॉट टैक्सेबल किया है। दोबारा से क्वेश्चन में आते हैं, ए और ई हो गया। बी, ही हैज परचेज सर्टन मशीनरी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट टू रेंडर सर्विसेज टू द जॉइंट वेंचर एट मुंबई हाई। तो इसने कोई मशीनरी खरीदी है स्टेट के बाहर से, किस लिए खरीदी, टू रेंडर द सर्विसेज टू द जॉइंट वेंचर, इसका मतलब द मशीनरी इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ये इनवर्ड सप्लाई है, 6 लाख, और रेट तो वही है 18%, 9+9।
तो क्योंकि आउटसाइड स्टेट है तो आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। इसके बाद ही हैज ऑब्टेन लीगल ओपिनियन फ्रॉम ए लोकल फर्म ऑफ एडवोकेट्स, तो लीगल सर्विसेज अगेन आरसीएम है और इसके ऊपर भी आईटीसी मिलेगा सी प्लस एस का। ही हैज ऑब्टेन अकोमोडेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू लोकेट हिज ऑफिस क्लोज टू द सी शोर। बताइए। यस, इसके ऊपर भी आरसीएम है और इसके ऊपर भी आईटीसी मिलेगा। तो ये 6, 1 और 2 पे आईटीसी मिल रहा है। मैं आंसर दिखाता हूँ। ये मशीनरी खरीदी 6 लाख की आउटसाइड द स्टेट, आईटीसी मिलेगा। ये दोनों लोकल है, आरसीएम है, इसके ऊपर भी आईटीसी मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकली। वैसे तो मार्च में अगर टाइम ऑफ सप्लाई हुआ है तो मार्च का 3B जाएगा कब? अप्रैल में। तो इसका आईटीसी कब मिलना चाहिए? अप्रैल में, एज पर रूल 36। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि जिस मंथ, हेलो, जिस मंथ आपका टाइम ऑफ सप्लाई हुआ है उसी मंथ आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आप अगले मंथ तो पेमेंट कर ही रहे हैं तो सेम मंथ पॉसिबल है। यहाँ देखिए टोटल में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, ठीक है। तो ये 45,000 आ जाएगा, ये 39,000 आएगा। तो एक्सेल में यही फायदा है कि अगर कुछ गलती कर दी तो तुरंत ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट करें तो अब हमारा ए बी सी डी पूरा हो गया, ई हमने बता ही दिया आपको। अब देखिए एफ, ही सेल्स द पेट्रोलियम सिल्ट टू ए एस सी जेड डेवलपर इन मुंबई। एस सी जेड डेवलपर इन मुंबई को बेच रहा है तो ये जीरो रेटेड सप्लाई है। एल यू टी से बेच रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो 6,80,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर जी, कंसिडरेशन इज रिसीव टुवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स विच अकॉर्डिंग टू सिखदेव इज नॉट लायबल टू जीएसटी एज इट हैज सफर्ड द स्टाम्प ड्यूटी। अब देखिए अगर आप शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 5 है उसमें जाएंगे तो लैंड और बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बट दिस इज ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स, जिसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लग चुका है, क्या उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो एक बार किताब दिखलाते हैं, इस पे भी सर्कुलर आया हुआ है। तो ये हमारी जीएसटी वॉल्यूम 1, कंट्रोल एफ टी ई एन टेनेंसी राइट्स। देखिए हमने पहला सर्च किया टेनेंसी राइट्स, तो ये शेड्यूल 2 में आया जहाँ लिखा है कि लैंड बिल्डिंग को अगर आप एज ए टेनेंसी राइट्स देंगे यानी लीज टेनेंसी इजमेंट, तो इट इज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो शेड्यूल 2 में अगर टेनेंसी आ रहा है तो है ही, लेकिन जीएसटी वॉल्यूम 2 में सर्च कर लेते हैं। और यहाँ वॉल्यूम 2 में लिखा हुआ है टेनेंसी मीन्स राइट टू यूज लैंड अंडर एक्सचेंज ऑफ रेंट या फिर यूज ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं। यस, यहाँ वॉल्यूम 2 में हमने डाला। ऑब्वियसली वॉल्यूम 1 में हमने इसलिए नहीं डाला ताकि हम नहीं चाहते इंटर के स्टूडेंट्स ये सब पढ़ें, तोप चीज़ें हैं ये। वॉल्यूम 1 वाली जो बुक है वो दोनों के लिए, इंटर और फाइनल दोनों के लिए है, और वॉल्यूम 2 तो ऑब्वियसली सिर्फ फाइनल या प्रैक्टिशनर्स के लिए है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। इश्यू रिलेटेड टू टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट्स अंडर जीएसटी रिगार्डिंग डाउट्स हैव बीन रेज एज टू वेदर ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स टू एन इनकमिंग टेनेंट, कंसिडरेशन फॉर विच इज इन द फॉर्म ऑफ टेनेंसी प्रीमियम, जिसको हम पगड़ी सिस्टम बोलते हैं, शैल अट्रैक्ट जीएसटी व्हेन स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस इज लेवाइड ऑन द सेट प्रीमियम, यस व्हाट वुड बी द एप्लीकेबल रेट। द इशू हैज बीन एग्जामिन्ड, द ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम विच इज ऑल्सो नोन एज पगड़ी सिस्टम इज प्रिविलेंट इन सम स्टेट्स। इन दिस सिस्टम द टेनेंट एक्वायर्स टेनेंसी राइट्स इन द प्रॉपर्टी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टेनेंसी प्रीमियम। जिस आप समझ लीजिए जो लीज राइट्स आप लेते हैं 99 ईयर्स ये सब के लिए, उस तरह का कुछ है। द लैंडलॉर्ड मे बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट द पोजेशन ऑफ द सेम लाइज विद द टेनेंट। द टेनेंट पेज पीरियोडिक रेंट टू द लैंडलॉर्ड एज लॉन्ग एज ही ऑक्यूपाइज द प्रॉपर्टी। द टेनेंट ऑल्सो यूजली हैज द ऑप्शन टू सेल द टेनेंसी राइट्स ऑफ द सेड प्रॉपर्टी एंड सच ए केस हैज टू शेयर द परसेंटेज ऑफ द प्रोसीड विद द ओनर ऑफ अ लैंड एज लेड डाउन इन देयर टेनेंसी एग्रीमेंट। फिर कुछ कुछ कहानी लिखी हुई है और फिर उन्होंने लिख दिया, इट इज ए फॉर्म ऑफ लीज और रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड सच एक्टिविटी स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी ए सर्विस इन पैरा दिस दिस इज, अभी हमने पढ़ाई था। द कंटेंशन दैट स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेज लेवाइड ऑन सच ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स एंड सच ट्रांजेक्शन थस शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी इज नॉट रिलेवेंट
merely because a transaction or a supply involves execution of documents which may require registration and payment of registration fee and stamp duty would not preclude them from the scope of supply of goods and services and from payment of GST. The transfer of tenancy rights cannot be treated as sale of land or building declared as neither supply of goods nor services in para 5 schedule 3 jo abhi humne bola bhi tha aapko. Thus a consideration for the said activity shall attract levy of GST. तो हमें इसका आंसर मिल गया है कि ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स इज सब्जेक्टेड टू जीएसटी. और इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है प्रोवाइड सुटेबल नोट्स वेयर रिक्वायर्ड. तो आपको ये सर्कुलर कोट करना चाहिए. तो अब देखिए फाइनल में सर्कुलर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. फिर आई, अच्छा हमने कहाँ गया, तो हमने ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स ऑब्वियसली लोकल इंट्रा है तो हमने सी प्लस एस लगा दिया. इसके बाद फिर से आते हैं क्वेश्चन में, ही हैज़ बीन असाइन द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम लोग ERCC बोलते हैं. ही हैज़ नोटिस दैट द माइनिंग लीज होल्डर्स हैव शॉर्ट पे 2 लाख एज आई जी एस टी फ्रॉम वॉट हैड बीन एग्जेम्प्टेड टू हिम अंडर द असाइनमेंट. अभी कॉन्सेप्ट क्या है, मैं पहले आपको एक बार 69B है सीरियल नंबर IGST वाला, मैं आपको पहले वो दिखलाता हूँ. 69B, ओके 68B है सॉरी, इसीलिए नहीं मैच कर रहा. 68B ये आ गया. तो ये 68B है, देखिए इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको. स्टेट गवर्नमेंट माइनिंग राइट्स देती है लीज होल्डर, माइनिंग लीज होल्डर को, जो वो उस राइट्स से वो मिनरल्स धरती से निकालता है. अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि 100 क्विंटल ही निकालोगे और ये इलीगली 110 क्विंटल निकाल लेता है. अब इसके ऊपर एक बंदा खड़े कर दिया इसने और उसका नाम रखा ERCC, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर. ये अलग कॉन्ट्रैक्टर जो इसी के ऊपर है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने ERCC अपॉइंट कर लिया और इसको कहा कि इसके ऊपर तुम देखेंगे, जैसे ऑडिटर होता है वैसे ही एक तरह से ये है कि अगर इसको 100 क्विंटल निकालना था तो 100 क्विंटल के बेसिस पर रॉयल्टी देगा और 110 क्विंटल निकालना तो 110 क्विंटल के ऊपर के बेसिस पर रॉयल्टी देगा. तो ये क्या करता है कि जितना भी रॉयल्टी है वो पहले ERCC को देता है और ERCC गवर्नमेंट को दे देता है, करेक्ट. अब अगर इसने 100 रुपये इसको दिए और इसने 100 रुपये ऐसे, इसने अगर 100 रुपये इसको दिए और इसने रिवर्स चार्ज लगेगा ये तो पता ही आपको, और इसने 100 रुपये रिवर्स चार्ज के बेसिस पे गवर्नमेंट को GST दे दिया, तो जितना भी इसको 100 रुपया मिला है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा, ये सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा. लेकिन इसको 100 रुपया मिला और इसने सिर्फ 80 रुपये पे दिए हैं तो 20 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा इसके ऊपर, ये कहानी है. यानी कि जितना भी शॉर्ट पेमेंट हुआ है, तो देखिए ERCC ने 100 रुपये कलेक्ट किए और रॉयल्टी के ऊपर RCM बेसिस पे 100 रुपये से ज्यादा दे दिया, तो उसको ERCC वाले को यानी कॉन्ट्रैक्टर को 100 रुपये का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ERCC को कोई टैक्स नहीं देना. लेकिन ERCC को मिले 120 और इसने माइनिंग लीज होल्डर ने सिर्फ 100 रुपये पे दिए हैं तो इसका मतलब शॉर्ट पेमेंट है, इस 20 रुपये पे ERCC को GST देना पड़ेगा. बड़ा सिंपल सा. अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, असाइंड दिस इज, ही हैज नोटिस दैट द माइनिंग लीज होल्डर्स हैव शॉर्ट पेड 2 लाख एज IGST. तो अब ERCC देगा तो ये सुखबीर जी इस 2 लाख रुपए पे देंगे क्या, IGST हो गया. अब इसके बाद ये एक अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिए, ही हैज सोल्ड सेल्फ फैब्रिकेटेड मशीनरी थ्रू हिज एजेंट इन मुंबई. तो उसने एजेंट के थ्रू एक मशीन बेची जो 2 साल यूज किया गया. तो ये सेल्फ फैब्रिकेटेड मशीनरी थी, यानी कि असेंबल करके बनाई गई, घर में ही बनाई गई. तो इसमें ITC ऐसा तो नहीं ना कि मशीन खरीद रहा है, तो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा. 2 साल तक ITC 5-5% वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहेगा. सिंपली जितने में बेचा उसके ऊपर 18% लगा दो, 9+9 क्योंकि इंट्रा है. इसके बाद तो कहानी खत्म है. अब सोचिए ये अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पर 3 सर्कुलर के बेसिस पे, और कॉस्ट पेट्रोलियम का सर्कुलर तो बड़ा इंटरेस्टिंग था. मुझे नहीं पता कितने लोग इसको समझ पाएंगे कि कॉस्ट पेट्रोलियम एक गवर्नमेंट वाला एक प्राइवेट वाला, इसको एग्जेम्प्ट नहीं किया, इसको टैक्सेबल ही किया. तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जिसको
सेल्फ स्टडी इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अच्छी किताब उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर सब कुछ हो, सब कुछ हो। चलिए तो आप वो हमारा कौन सा चैनल है, टैक्स बाय के स्टूडेंट STD जरूर लिख के ज्वाइन कीजिए, और फिर बातें करेंगे हम लोग आपसे वहाँ पर। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू। एक आखिरी चीज तो रही गई, अब इसका आउटपुट टैक्स देखिए, IGST 36SC वो हमने यहां लिख लिया, क्रेडिट इनका ये है। तो आपको पता है नया सिस्टम ऑफ एडजस्टमेंट, नया सिस्टम ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, पहले आई आई के साथ एडजस्ट होगा, सी सी के साथ एडजस्ट होगा, और एस एस के साथ एडजस्ट होगा। बच जाता तो ओवरफ्लो करता, तो कुछ बचा नहीं है, सीधे हम लोग इतना कैश इसको देना है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के CGST में 12,000 पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, ये 12,000 माइनस कर दिया, तो अब इसको 1,38,000 IGST का देना है कैश में, 1,05,000 सी में, और एस में इतना। बेसिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे प्रैक्टिकली, तो ये जो 12,000 रुपया पड़ा हुआ है ये इसी का है, गवर्नमेंट का नहीं है। ये तो सिंपली ये हुआ कि आप ये समझ लीजिए कि हमने अपना पैसा पेटीएम में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पेटीएम से तो कहीं और जाना चाहिए, तब तो पेटीएम में अगर कोई पैसा पड़ा वो मेरा ही पैसा, बेसिकली इट इज ए कैश। तो आंसर तो यही वाला आना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन लेट ICI टॉप बॉस हैं, वो जो कहेंगे सही या गलत मानना पड़ेगा। तो ये हो गया, ज्वाइन जरूर कीजिए टेलीग्राम, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, लाइक लाइक लाइक, श्योर, बाय बाय।